माय नेम इज राहुल कुंतल एंड आई एम प्लानिंग अ टूर्नामेंट ऑफ हॉकी। तो अपने चैनल के नाम से हम पहला टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं, तो उसी सब के बारे में आज बात करते हैं। सो गाइज वेलकम टू द ग्राउंड एंड ग्राउंड लवर्स वेलकम्स यू। स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए बहुत जरूरी है कि प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहे समय समय पर, और खिलाड़ियों को उनकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए और उनका हौसला बढ़ाने के लिए समय समय पर उन्हें टूर्नामेंट मिलते रहें। मैं हॉकी का एक खिलाड़ी हूं और मुझे हॉकी से बहुत लगाव है, तो इसीलिए हमने सबसे पहला टूर्नामेंट जो कराने की कोशिश की है वो हॉकी का ही टूर्नामेंट कराने की कोशिश की है, और 1 और 2 अप्रैल को हमारा टूर्नामेंट होने जा रहा है। तो उसी सब के बारे में हम बात करने वाले हैं कि हमारे यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए जहाँ जो जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ फेडरेशन कप के अलावा जो फेडरेशन का टूर्नामेंट होता है उसके अलावा उन्हें कोई लोकल टूर्नामेंट खेलने के लिए नहीं मिलता है। क्रिकेट के तो काफ़ी सारे टूर्नामेंट यहाँ पर होते रहते हैं, लेकिन हॉकी के टूर्नामेंट नहीं कराते लोग। इसी वजह से शायद यही कारण है जो कि मुझे लगता है कि अगर खेलने के लिए टूर्नामेंट नहीं मिलेंगे तो ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या नहीं बढ़ती है। तो इसीलिए मैंने सोचा है और हमारे चैनल के जो लोग हैं उन्होंने सबने मिलकर सोचा है कि एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं हॉकी का, और इसको फिर कंटिन्यू रखते हैं कि आगे बीच बीच में भी हम ये टूर्नामेंट कराते रहें। जो टूर्नामेंट हम यहाँ पर करा रहे हैं वो 5-a-side इंडोर हॉकी टूर्नामेंट बेस्ड है, क्योंकि हम ये टूर्नामेंट इसलिए करा रहे हैं ताकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ टीम्स ज़्यादा हों और हर खिलाड़ी को खेलने का मौका मिले ग्राउंड पर। अधिकतर ऐसा होता है कि हम जो 11-a-side हॉकी टूर्नामेंट कराते हैं उसमें नंबर ऑफ़ टीम्स ज़्यादा नहीं आ पाती हैं, इसीलिए हमने 5-a-side हॉकी टूर्नामेंट कराने के लिए सोचा है। तो जो हमारा टूर्नामेंट है वो 5-a-side हॉकी बेस्ड टूर्नामेंट होने वाला है। इस टूर्नामेंट को कराने का हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हॉकी का स्तर थोड़ा सा ऊपर उठे और इसमें हम अपना ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा योगदान दे सकें। इस प्रतियोगिता में हमने कोई भी एंट्री फीस नहीं रखी है किसी भी खिलाड़ी से, क्योंकि ये जो प्रतियोगिता है वो एक स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए है, इसीलिए हमने इसमें कोई भी एंट्री फीस नहीं रखी है, ना ही किसी से कोई झूठा वादा किया है जैसे कि और फर्जी फेडरेशंस वाले करते हैं कि हम आपको नेशन खिलाएंगे स्टेट खिलाएंगे, ना कोई हमने ऐसा वादा किया है। ये केवल स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए टूर्नामेंट है, इसमें हम खिलाड़ियों को प्राइज़ भी देंगे, उनको ट्रॉफीज़ भी देंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए हमारे जो कुछ सीनियर्स हैं जो यहाँ पर पहले खेलते थे हमारे कॉलेज में, KRPG कॉलेज मथुरा में, जो यहाँ पर पहले खेलते थे और जो आज वेल सेटल्ड हैं या फिर कहीं पर जॉब कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से छोटी मोटी धनराशि देकर हमारा काफ़ी सहयोग किया है और उन्होंने अपना संपूर्ण योगदान इस टूर्नामेंट के लिए दिया है ताकि हम इस टूर्नामेंट को सफल और अच्छे तरीके से कर सकें। और आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि ग्राउंड लवर्स ने जो एक पहल उठाई है स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए उसका उसमें आप सब सपोर्ट करें और अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें ताकि स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए ऐसे ही कार्य हम आगे भी करते रहें। और आज हमने हॉकी का टूर्नामेंट कराने के लिए यहाँ पर एक स्टेप लिया है, आगे भी हम स्टेप लेना चाहेंगे कि हम और गेम्स के भी टूर्नामेंट यहाँ पर करवा सकें। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और उन्हें पता चले कि स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए जो कार्य हो रहे हैं, जो इसमें योगदान देना चाहता है वो भी इसमें योगदान दे सके। तो बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी जो शुभकामनाएँ हैं वो कमेंट करें और हम सबको टूर्नामेंट सफल बनाने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।